अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। शहर का दर्जा हरारत इस टाइम 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। लोड शेडिंग हो रही है, पानी की कमी है, पानी भी नहीं आ रहा अक्सर लोगों के घरों में। लेकिन जनाब, हमारे लोग महंगाई के सताए हुए हैं। अभी हालिया दौर में पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, खाने पीने की अशिया महंगी हुई। लेकिन जनाब, शहबाज हुकूमत ने कोशिश ये करें जनाब, आटे की कीमत को कंट्रोल रखें, चीनी आवाम को थोड़ी सस्ती मिल जाए, घी आवाम को थोड़ा सस्ता मिल जाए। लेकिन जनाब, हमारी आवाम क्या सोचती है? क्या हमारी आवाम का जो हुकूमतों को जज करने का जो मयार है वो ये है कि अच्छी हुकूमत वो होती है जो महंगाई कंट्रोल कर पाती है या नहीं? इस मामले पर आज हम ज़रा आवाम से गुफ्तगू करेंगे और इस मामले पर हमारी आवाम की क्या सोच है, क्या राय है, दिखाएँगे आपको आज के न्यूज़ साइट में। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, बताइएगा कि अभी हम देख रहे हैं कि अभी हालिया दौर में ये पेट्रोल बढ़ा, डीजल बढ़ा, आटे की कीमतें बढ़ी, वैसे ये दूनली की हुकूमत कुछ ना कुछ कोशिश कर रही है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन हमारी आवाम का स्टैंडर्ड क्या है हुकूमत को जज करने का? हमारे नज़दीक अभी भी यही स्टैंडर्ड है कि हुकूमत वही अच्छी है जो महंगाई पर काबू पाए, ऐसा ही है। अगर हमारे मुल्क में जो अगर कह रहे हैं जी IMF से उन्होंने पहले ही मादा किया हुआ, अगर वो सच है तो फिर तो ये मजबूर हैं, अदरवाइज़ ये ज़्यादती है। अच्छा। इतनी ज़्यादा ज़्यादती है कि इस वक्त गरीब का खाना पीना बिल्कुल हराम हो गया। 250 से लेके 300% जो है ना महंगाई हो गई हुई है चीज़ों की। जो चीज़ आज से 3-4 माह पहले 120 रुपये की थी वो 220 की हो गई हुई इस वक्त। मगर ये है कि इन्होंने ये रिलीफ दिया है गरीब को, आटा चीनी जो ज़रूरत की है वो चीज़ें अभी इन्होंने लेस रखी हैं। बाकी फ्यूल की है तो मतलब आज नई खबर है कि 225 रुपये और एक्सेस बढ़ा रहे हैं। तो ये आपको क्या लगता है, चले आप और हम तो रो पिट के गुजारा कर लेंगे, एक जो बिल्कुल आम आदमी नहीं है वो क्या करेगा? आम आदमी मर गया, उसका अल्लाह ही हाफज हो गया। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम करम करे, बाकी कोई हाल नहीं है इस वक्त। अच्छा। बहुत बुरे। आपके नज़दीक अच्छी, आपके नज़दीक एक अच्छी हुकूमत क्या होती है? अच्छी हुकूमत वही होती है जो आज़ाद हो जाए। हमारे मुल्क में आज़ादी नहीं है पहले नंबर पे। अच्छा। आज़ादी इसलिए नहीं है कि हम सारे मथाज हो गए IMF के। हाँ, मेरा ये पैगाम है वज़ीर आज़म साहब को कि ये जो मिनिस्टरों के सब के कोटे हैं, एक्स्ट्रा एक्सेस लाउंसेज हैं, ये सारे बंद कर देने चाहिए। और मुल्क को इस वक्त जो है ना वो लोग आगे आए जिनके पास सरमाया, बिग सरमाया, वो मिलके पाकिस्तान का कर्ज़ा उतारें और फिर चाहे वो हमसे डबल ले ले पाकिस्तान की करेंसी में। हाँ। वो बेटर है क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बड़े बुरे हालात है। आपके नज़दीक कौन सी हुकूमत बेहतर थी? हुकूमत आज तक जो है ना मैडम, हुकूमत नवाज शरीफ की बेहतर थी जिसने ये सब चीज़ें बनाई हैं। बाकी तो सब जो है ना अभी तक शहबाज शरीफ भी वेल डन। मैं हल्फन अपने रब को हाजिर कहता हूँ कि मैंने कम लोग देखे हैं इसको। एक मरतबा देखा जब ये हमारा मुगलपुरे वाले का पुल बन रहा था, वो 50 साल से नहीं बन रहा था। जब ये बना रहा था तो मैंने रात के 4:30 बजे अपने मामू को लेने एयरपोर्ट से आया तो देखा कि शहबाज शरीफ उस वक्त वो चेक कर रहा है। तो इतने अरबपति खरबपति हैं, उनको क्या ज़रूरत है रात को 4:30 बजे चेक करें। अच्छी हुकूमत क्या है आपके नज़दीक? अच्छी हुकूमत वो है जो महंगाई कंट्रोल करे। बिल्कुल। अच्छी हुकूमत कौन सी गुजरी? लेकिन आप ये लोग 2000 रुपये दे रहे हैं, आटा कम कर रहे हैं, चीनी कम कर रहे हैं, आपके नज़दीक ये इकदाम काफ़ी हैं? कोई बात नहीं, हुकूमत नवाज शरीफ की आनी चाहिए। अच्छा। इमरान खान के दौर में कारोबार नहीं थे। अच्छा। क्या काम करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ, बड़ी गाड़ी। जी जी। हाँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है काम हमारा। आप तो, लेकिन अब हालात कैसे चल रहे हैं आपका? देखिए पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, खाना पीना महंगा है, सब्जियाँ महंगी हैं, फल महंगा है। ये तो सारी दुनिया के साथ है ना, हमारे अकेले के साथ तो नहीं है। कोई बात नहीं, अभी इमरान खान जो है हालात ख़राब करके गया है, अब इनको थोड़ा सा वक्त चाहिए। हाँ। या आस्ता आस्ता अल्लाह करेगा बेहतर हो जाएगा। कारोबारी लोग हैं, इमरान खान हालात ख़राब करके गए हैं जी। वो हालात तो ज़रूर ख़राब करके गए हैं, लेकिन उनके बस में जो था उन्होंने वो किया। क्या किया उन्होंने अपने बस में जो था? उन्होंने, उनके बस में यही था कि जो वक़्त उन्होंने गुजारना था वो उन्होंने गुजारा। अपना कैसा गुजारा वक़्त उन्होंने? वक़्त उन्होंने कुछ अच्छा गुजारा, कुछ जो है ना गलत गुजारा, जो उनकी समझ में था उन्होंने अच्छा करने की कोशिश की। लेकिन आगे जो सिस्टम था वो करप्ट था, जिसकी वजह से ना वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आपके नज़दीक ये बताएं, अभी भी तो महंगाई है, अब क्या करते हैं? महंगाई है, लेकिन ये महंगाई हमें तब तक नुकसान दे सकती है जब तक काम नहीं आई है ना। ये तो इमरान खान के दौर की महंगाई है, वो लिख के दे के गया हुआ है। ये तो पेट्रोल बढ़ना ही बढ़ना है बिल्कुल, ये तो इन्होंने तो नहीं बढ़ाया, इनकी तो मजबूरी है, इन्होंने बढ़ाना ही बढ़ाना था। ये
अगर वो ना कि लिख के दे के गया होता ना भी पड़ता। कुछ भी नहीं कह सकती अगर कि हमारा काम दुरुस्त हो जाए। हाँ। हमें काम हमारा निकले, काम की वजह से हमें फिर ये महंगाई कुछ नहीं कहेगी। तो काम तो सारे कर रहे हैं, काम जो है ना काम तो सारे कर रहे हैं, लेकिन जब काम होगा तब काम करेंगे, जब काम ही नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे। अच्छा। काम होगा तो ये क्या जितनी भी महंगाई होगी हमें नहीं फर्क पड़ेगा। अच्छी हुकूमत क्या है आपके नज़दीक? हमारी जो वाम है ना वो यही चाहती है कि 500 रुपए लीटर तेल होगा हम भी डलवाएंगे, इससे कम भी होगा फिर भी डलवाएंगे। 500 रुपए लीटर पेट्रोल होगा तो कौन डलवाएगा भाई? डलवाएंगे सारी दुनिया डलवाएंगी। 11 रुपए लीटर था ना, 15 रुपए होगा, लोगों ने कहा बड़ा महंगा हो गया, बड़ा महंगा हो गया। ये गाड़ियां नहीं रुकेंगे, ये चलेंगी। हाँ। ये 1000 रुपए भी लीटर होगा फिर भी ये चलेंगी। वो तो जाएगा बिल्कुल। 14 तारीख को 230 रुपए पेट्रोल हो जाना है, और जब 29 तारीख को होगी फिर ये 250 रुपए हो जाना है। आवाम ने फिर भी डलवाना ही डलवाना है, क्योंकि काम करना है डलवाना है। वही तो कह रही हूँ। अब आप मुझे बताएं, अब आपके नजदीक अच्छी हुकूमत क्या है? अच्छी हुकूमत वो है जो सिर्फ महंगाई कम करे। अगर मरान का रहता तो फिर महंगाई कम हो जानी थी। अच्छा। हाँ जी, फिर कम हो जाए। आज तक वो मुल्क को ठीक कर ही रहा था वो। अच्छा। वो जब सब यही कहते हैं वो चोर है, लेकिन वो चोर है मेरे भाई। 2 महीने हुए ना, 2 महीने में कितनी महंगाई हो गई, की कितना था? 450 रुपए की था, आज 550 हो गया 1 किलो की। वो कहते हैं IMF के जो मुआहदे करके गए इमरान खान साहब, उसकी वजह से उनको यहाँ पेट्रोल बढ़ाना पड़ा, उसकी वजह से पेट्रोल महंगा करना पड़ा है। एक अभी थोड़े थोड़े होने था तेल महंगा करें। इधर आओ। ये खादी ने शोर मचाया हुआ था कि इमरान खान ने के पेट्रोल का रेट बढ़ाए, उन्होंने तो नहीं ना बढ़ाया। वो तो देख रहे हैं, वो शुरू से करते आ रहे हैं मुल्क के लिए। नवाज शरीफ साहब इमरान खान होते तो इमरान खान कंट्रोल कर जाते चीजों के ऊपर। क्या कंट्रोल करते हैं मुझे बताएं? उन्होंने एक स्पीच की है, उन्होंने मेरी बात सुने, 3 साल तो बेटा कंट्रोल नहीं किया। उन्होंने स्पीच की है कि मैं इधर टमाटर प्याज का रेट नहीं करना। महंगाई को कंट्रोल इस तरह किया जा सकता है कि रिक्शे वाले हैं जो, इनको कोई पूछने वाला नहीं। ये रेड़ी वाले हैं, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं। कोई है कोई माशरे में? पूरा शहर भरा पड़ा है, हर बंदा अपनी मर्जी का सौदा बेच रहा है, हर बंदा अपनी मर्जी का रेट लगा रहा है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए इनके पास कोई बंदा है? हुकूमत के पास कोई बंदा है जो इनको कंट्रोल करेगा? तो इनको कंट्रोल करने के लिए कमेटियां बनाए ना। आपके नजदीक अच्छी हुकूमत क्या है? अच्छी हुकूमत ये है कि जो गरीब को रोटी मिले, गरीब को खाने को मिलेगा ना, वो ही अच्छी हुकूमत होगी। जो गरीब को रिलीफ देगा उसको, ये यूटिलिटी स्टोरों पे ना घी है ना चीनी है ना आटा है। तो जब इमरान खान की हुकूमत थी तब भी कुछ नहीं मिल रहा था, अब नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ की हुकूमत है फिर भी आटा चीनी गायब है, तो कौन कंट्रोल करेगा? कौन कंट्रोल करेगा? शहबाज शरीफ कंट्रोल करेगा? 2 महीने और टाइम तो दे ना अंकल जी उनको। मेरी बात सुने, मियां साहब के दौर में हर चीज थी इस मुल्क में। आज ही करते लेकिन कुछ करें तो सही, करके तो दिखाए ना। वेट तो करें मेरी जान, वेट करें तो करके दिखाए, कंट्रोल तो करके दिखाए। अभी भी कह रहे हो कि अगर इमरान खान होते तो चीजें ठीक हो जाती। हो जानी थी ठीक। 3.5 साल में तो कुछ नहीं किया उसने यार। इतनी महंगाई थी, उसी की आग लगाई हुई है। उन्होंने एक स्पीच दी थी, ये उसी ने आग लगाई है, ये बेटे उसी ने आग लगाई है। इमरान खान ने 150 रुपए का घ्यो सी, जिहड़ा इस टाइम 550 रुपए का हो गया। महंगाई उत्ते जा रही है, 210 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया। इमरान खान ने पहले 150 का घ्यो लेंदे, चीनी 55 रुपए किलो लेंदे सी, आ चीनी लाके 110 रुपए किलो हो गई, घ्यो 500 रुपए का हो गया, 550 रुपए का, 600 रुपए का कल फिर घ्यो वध गया। इमरान खान ने जलील करता आवाम नु, गरीब आम की करेगी? अभी भी तो महंगाई है ना, 2 महीने में भी तो महंगाई हो गई ना। 2 महीने कुछ नहीं होएगा, 60 रुपए पेट्रोल नहीं बढ़ा, 2 महीने कुछ नहीं होएगा। पहले उन्हें 3.5 साल हुकूमत की, जलील किया आवाम ने कि सस्ता करांगा, कोई चीज सस्ती नहीं की। महंगाई वधी जा रही, होर वधनी है। माल लेके चले गया ना, कोई रोड ना गलियां, कूड़े बड़े परेशान। इमरान खान का सारा काम है, वो इन्ना को परेशान करके जिन्ना झूठ बोला जाए। और महंगाई भी उन्हें की है, पेट्रोल भी उन्हें बधाया, ये तो दक्षत हुए जो चलन दे। ये बात नहीं ना, अच्छी हुकूमत क्या है चाचा जी? अच्छी हुकूमत क्या होती है? नवाज शरीफ, नवाज शरीफ शेर की हुकूमत है, इसको पर कोई हुकूमत नहीं आ सकती। नहीं, आपको लगता है शेर की अभी तक 2 महीने में परफॉर्मेंस कैसी है? पेट्रोल में 2 महीने में सुने पैसे कोलो डाले हैं इमरान खान, नवाज शरीफ ने 2 महीने पेट्रोल कोलो डाले हैं। नहीं, मतलब मेरा कहने का ये है कि जब ये लोग आए थे तभी तो हालात खराब थे ना मुल्क के। तो जब इमरान खान आए थे? नहीं, जब नून लीग की दौर था तब हालात ठीक थे, अब ये आ गए हैं ना, ये ठीक करने आए हैं ना, तो ये ठीक करें।
ये ठीक करें ना। अभी तो इनका दो महीने हुए ना, दो महीने में ये आए तो दो घंटे में है, दो घंटे में ठीक करने के लिए आए हैं ना, रजीम चेंज करने के लिए आए। रजीम चेंज करने का मतलब ये है कि ये काम ठीक करें, क्यों नहीं कर रही है? नहीं हो रहे ना आई पैसे, अगर नहीं हो रहे तो फिर वापस दे दे उनको। नहीं आई पैसे प्याज और टमाटर का रेट सस्ता करने नहीं आया, आपने ये सुना इसका बयान बनता है ये देना। ये ठीक करने आए हैं ना, ये ठीक करने आए हैं तो करें, कब करेंगे? कब करेंगे? ये कब करेंगे? तब करेंगे जब ये बिल्कुल अभी 20-30 रुपए पेट्रोल और बढ़ रहा है आज रात को। बूस्टर डोज लगनी है अभी आज रात को। हाँ बूस्टर डोज अभी लगेगी, बूस्टर डोज जो है ना वो बाकी है जो रात को 33 रुपए की लगनी है इनको। सात मेरी बात सुने, सारे लोग यहाँ पर ये कहते हैं ये सारा का सारा नतीजा इमरान खान की गलत पॉलिसियों का जो तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। मेरी बात सुन ले, इमरान खान की कौन सी पॉलिसी गलत है बताएं, कोई एक पॉलिसी उसकी गलत बताएं। पहली बात तो मेरी बात सुने भाई, जहां ने महंगाई की हुई ना, ये कहना बनता है कि अभी बात सुने, 11 पार्टियां एक तरफ है वो अकेला एक तरफ है, ऐसे ही है। 11 पार्टियां एक तरफ है वो अकेला एक तरफ है, लेकिन इन 11 पार्टियों से भी मुल्क ठीक ना हुआ तो फिर ये वापस उनको हुकूमत दे दे, बस यही मसला। अच्छी हुकूमत क्या है? अच्छी हुकूमत इमरान खान की है, सब कुछ सही है, इमरान खान सही है। बस आपके सामने है, आपने नहीं देखा, सब कुछ है वो इमरान खान का हुकूमत अच्छा है। 3.5-4 सालों में ना उसने इतना महंगाई नहीं ले गया, इसने दो महीने में। नून लीग वाले तो कहते हैं, नून लीग वाले छोड़ो सारा, इमरान खान की गलत पॉलिसी, वो बिल्कुल सही है, एक नंबर बंदा है इमरान खान, जिंदाबाद शेख रशीद, जिंदाबाद। ये सारा कुछ इमरान खान का किया हुआ है। जब हमारी हुकूमत टूटी थी, जब पेट्रोल का रेट 64 रुपए था, ये इसके मुआहदे हुए हैं, इसने महंगाई की है, इसने आवाम से बोला था कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, ये तो लेट गया। देखिए मैं मेरी बात सुने, ये तो लेट गया, इसने कर्जे लिए हैं बाहर के मुल्कों के साथ, मुआहदे किए हैं, मैं पेट्रोल महंगा बेचूंगा पाकिस्तान में, मैं आपके कर्जे उतारूंगा। चिंची रिक्शा चलाने वाला हूँ, ठीक है। मैं सुबह को घर से निकलता हूँ, रात को जाता हूँ, 1500 रुपया पकड़ता हूँ, मेरे घर में जाते 2000 रुपए के खर्चे हैं, 4 बच्चे हैं मेरे, मैं क्या करूँगा? कि 550 रुपए का किलो घी है, थोड़ा सा सामान बाजार से परचून का लेने चले जो 1000 रुपया निकल जाता है। सही बात है, कितनी गर्मी है। आपकी नजदीक अच्छी हुकूमत क्या है जो महंगाई कम करे? हुकूमत जैसी भी है, हम लोग गरीबों का जो है ना वो सिर्फ सोचे, वो मियां साहब बस सोच रहे हैं। अगर महंगाई करते हैं ना तो आवाम को थोड़ा रिलीफ दे, कम से कम वो अपनी 2 वक्त की रोटी जो है मैंने अपने बच्चों को घर बिठा के खिला सके, मजदूरों को जो है ना उनको नौकरियां दें, जो सुबह को निकलते हैं छपे हैं ना, ये छापने की वजह से ये हमें महंगाई बढ़ी है। अगर नया पैसा आप दोबारा छापते हैं, ये हुकूमत भी नया पैसा छापती है ना, तो ये हम पे दोबारा जो है ना ये हमारे ऊपर असर पड़ेगा। आप बेटा जी मेरी बात सुनो, पहले मेरी सुनो ना, आप मुझे ये बताओ भी आप यहाँ खड़े हुए हो, ठीक है, आपकी कोई सेफ्टी है यहाँ? नहीं है, मुझे बताओ ये जो इतने आदमी खड़े हुए हैं इनमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है? चाचा जी आप बताएं महंगाई कैसे कंट्रोल? नहीं ये मुझे बताओ भी, गाड़ी आगे बढ़ते हैं, आप बताएं। 70-80 रुपए लीटर तेल होवे बाजी, चीनी होवे 50-60 रुपए किलो, घ्यो होवे 120-130 रुपए किलो, फिर गरीब बचेगा? यदि 1000 रुपए मजदूरी है एक किवें घर का खर्चा चलाएगा? मेरी 700 रुपए मजदूरी है, मैं किवें बच्चे पालांगा? अच्छी हुकूमत नवाज शरीफ कर गया, शहबाज शरीफ कर गया, इमरान खान लुट गया, गरीब नु मार गया, गरीब नु मार गया, वेख लो गरीब है मैं, मेरा की हाल वे, उस महंगो कह गया, मेनू नशई कह गया, नशई हो वे कार च बह के हो गया, जो मर्जी पेवा कह गया। ब्रेक ले लिए मैंने, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते मां सत रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को, आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हमारे यहाँ ना हुकूमतों को जांचने का पैमाना पाकिस्तान में ये है
कि महंगाई कौन सी हुकूमत कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, बाकी सारी दुनिया में ना लोग इस तरीके से हुकूमतों की परफॉर्मेंस को जज करते हैं कि उस हुकूमत ने आया अपनी आवाम को तालीम, सेहत, गवर्नेंस, ट्रांसपोर्ट, पीने के साफ पानी, तालीम और यूनिवर्सिटीज बनाई, नहीं बनाई, नए हस्पताल बनाए, नहीं बनाए, इस किस्म के पैरामीटर्स के ऊपर ना हुकूमतों को जज किया जाता है। हमारे यहाँ ये जजमेंट बड़ी गलत है, आपको नहीं लगता क्या? हमारे यहाँ ऐसा ही है कि महंगाई के ऊपर ही जज करना चाहिए? नहीं, मेरी बात सुने, मेरे अगर बात सही सुने ना, ये हमारा मुल्क जो है ना, हाँ, ये कभी सही नहीं हो सकता। अच्छा, जो जितने पैसे इस्तेमाल होते हैं ना उतने खर्च नहीं करते। अभी ये बार वाइट लाइनें लगाई हैं, अभी ये कल लगाई हैं। अच्छा, अभी जाके देख लो कि उधर एक निशान भी नहीं है, वो सारा वाइट रंग जो है ना उसका ख़त्म हो गया। हाँ, बाहर के मुल्कों में दो दो तीन तीन साल कलर ख़त्म नहीं होता। मैं बाहर काफ़ी अरसा रहा हूँ। अच्छा, मैं कोयत में रहा हूँ, आर्मी में काम करता था। अच्छा, कोयत आर्मी टैंक मकैनिक। अच्छा, अच्छा, तो मैं ये कहने का मतलब कि ये यहाँ जो भी आता ना, हालाँ हम बहुत नवाज शरीफ के करीब रहते थे, हम जिधर ये रहते थे ना, हम वहाँ के रहने, दालगरा के चौक में रहते थे। अच्छा, वो सुल्तान की सराह में, ये नवाज शरीफ के उधर इनका घर था। ये मुझे बताइएगा कि आप चूँकि कोयत में रहे, हाँ, कोयत में भी आवाम जो है अपनी हुकूमतों को ऐसे जज करते थे कि उन्होंने महंगाई कंट्रोल नहीं, उधर होती नहीं, दो दो तीन तीन साल होती ही नहीं है महंगाई। अच्छा, तीन तीन चार चार साल वही रेट रहते हैं। अच्छा, और वैसे भी वो हो सकता है सब्सिडी देते हों, लेकिन उधर महंगाई बहुत कम होती है। ये चीज़ें नहीं है बाहर के, नहीं नहीं नहीं, यही बात। बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको क्या लगता है कि हुकूमत को जज करने का पैरामीटर क्या है, पैमाना क्या है? हमारे यहाँ तो लोग सिर्फ कहते हैं जनाब हुकूमत को उसी सूरत में जज किया जाता है अगर वो महंगाई कंट्रोल कर जाती है। बल्ले बल्ले जी, महंगाई नहीं कंट्रोल करती तो फिर जो मर्जी है बोलो। हालांकि होना ऐसा चाहिए, जो हुकूमत है ना उनको 5 साल पूरे करने देने चाहिए ताकि जो देखे उसने क्या डिलीवर किया है, अगर नहीं किया तो फिर चेंज करना चाहिए। हर 6 माह बाद या साल बाद इलेक्शन करेंगे, ये तो हमारा भी नुकसान होगा, हमें बोझ उठाना पड़ेगा, बिजली, गैस, पानी, हर चीज़ में वो यानी कि उसको बढ़ा देंगे तो वो गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनको चाहिए कि ऐसा सिस्टम लाएँ कि ये 5 साल जैसी भी हो हुकूमत उनको पूरे करने चाहिए, उसके बाद देखेगा अगर वो काम। आप चूँकि जाहिर बात है आप वोट भी देते होंगे, पढ़े लिखे आप हैं, आप जो कोई हुकूमत जब आती है आप हुकूमत तो कैसे जज करते हैं, आपके नज़दीक पैमाना क्या है जज करते? यही करना कि जब आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे ये हुकूमत चोर है। आवाम तो चाहती है कि हमें फ्रंट पे चीज़ सस्ती मिलेगी, आटा चावल दिन, ये सब चीज़ें नहीं मिले आवाम के लिए, चाहे वो जहाज़ पर जाएँ या हेलीकॉप्टर, असल चीज़ तो आवाम है सामने मांगती है। अभी मैं यहाँ सौदा लेने है, मुझे महंगा मिलेगा, मैं कहूँ ये दुकानदार चोर है। हाँ, तो हुकूमत का भी यही हिसाब है, अगर वो आवाम को डिलीवर करेगी तो आवाम कहेगी ये अच्छा कर रही, हमारे भी अच्छा है, तलीम है, हर चीज़ पर उनको करना चाहिए। खाली बिजली पानी पर ना करें, स्कूलों की फीसें प्राइवेट की बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी जो है ना पढ़ा नहीं सकता। जो गवर्नमेंट के स्कूल है उनका हाल, टीचर इधर, बच्चे इधर, ठीक है। यानी खाली से बिजली पानी और महंगाई के ऊपर जज ना करें, जो बाकी सारी जो सहूलियात हैं उसके ऊपर भी जज करना चाहिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आपके नज़दीक अच्छी हुकूमत क्या होती है, अच्छी हुकूमत कैसे काम करती है? अच्छी हुकूमत जो वही है जो जी खान पीन वाली अशिया सस्ती करे, गरीब आदमी को जो बिल बिजली पेट्रोल सस्ता करे, ये तो ये अच्छी चीज़ है। आपको ये नहीं लगता अच्छी हुकूमत वो भी होती है जो मुफ्त सेहत की सहूलियात दे, जो बच्चों के लिए मुफ्त तालीम की सहूलियात दे, जो अच्छी सड़कें बनवाए, जो अच्छा काम करे, डैम बनवाए, पानी के लिए काम करे, सस्ती बिजली पे काम करे, ये नहीं अच्छी हुकूमत? हुकूमत यही अच्छी है ना। हाँ, जो सस्ती बिजली पैदा करे बच्चे, ये तो मेरे हिसाब से तो मियां साहब ये काम करते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये इमरान साहब भी तो यही काम कर रहे थे, उनकी भी तो ये पॉलिसी थी? उनकी ये पॉलिसी थी, नज़र तो नहीं आई हमें। अच्छा, 4 सालों में मीडिया पे पूछते हैं, आप भी मीडिया पे पूछते हैं, फिर 4 सालों की कारकर्दगी बताए, वो बताते तो नहीं है, वो बताना चाहिए ना। अब लोग ये भी तो कहते ना कि नून लीग के 2 महीने के दौर में 60 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, तो ये उनका मुआवजा था ना, ये तो सबको पता था ना। हाँ, 4-6 माह से सब्सिडी दी हुई थी तो वो 100 रुपये का महीने का नुकसान हो रहा था, मसा ये भी है ना, तो वो मुल्क तो पीछे ही जा रहा था ना, ये तो उनकी मजबूरी बन गया पेट्रोल बढ़ाना। हाँ, ये तो बढ़ाएंगे। आपके नज़दीक ये शहबाज हुकूमत सही है? मेरे ख्याल से तो बेहतर है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। चाचा जी सलामकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। चाचा इतना दुखी की बैठे हुए मोटरसाइकिल पे, क्या हुआ है? जो महंगाई के दौर है आपके सामने ही है, जो हालात है चाचा, खा पी तो सारी दुनिया रही है, खा पी। और हमने ये भी सोचा था 209 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा, हमने कानों को हाथ लगा के तोबा तोब कर ली, हमने कहा अच्छा जी हूँ 80 पेट्रोल नहीं दिलवाना। देखे जी जरा जाके लाइने देखे आप, पेट्रोल महंगा होता है ना,
तो दुनिया कैसे दो दो किलोमीटर लंबी लाइनें लगा के खड़ी होती है। सही है। क्या कहते हैं आपके सामने है जो कुछ भी है सामने है। अच्छी हुकूमत क्या है? हुकूमत अच्छी तो इस वक्त कोई भी नजर ही नहीं आ रही है। अच्छा। जैसे हालात है सही। हाँ जी सब चोर आ रहे हैं जैसे भी एक से बढ़कर एक दूसरा आ रहा है। चाचा जी कह रहे हैं सब चोर हैं एक से बढ़कर एक। अस्सलाम वालेकुम बेटे, बात करने का मकसद यह है वो मुझसे माशाल्लाह बड़े हैं, उनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, उन्होंने दुनिया भी ज़्यादा देखी है। कहने का मकसद तो ये है कि ये सोचा था लोगों ने इमरान खान आए, इमरान खान ने जो किया वो भी लोगों के सामने आ गया। इनसे जो तवक्को लगाई थी इन्होंने तो मुंह का नुवाला भी छीन लिया। इन्होंने नून लीग वालों ने ये सब चोर ही हैं। नून लीग आ जाए, पीपल पार्टी आ जाए, इमरान खान आ जाए, ये किसी के बस की बात नहीं है अब, क्योंकि सब के सब चोर हैं। अच्छी हुकूमत क्या है फिर? अच्छी हुकूमत तब होगी जब हम खुद अच्छे होंगे। अच्छा। मेरठ पे जब नीचे से कोई बंदा अच्छा आएगा ना, नीचे से गरीब आदमी आपके आएगा फिर एहसास पैदा होगा, वरना एहसास पैदा नहीं होगा, कोई एहसास नहीं। आगे देखे इमरान खान गरीब तबके में आगे रहे, शहबाज शरीफ आए हमारे लोगों में, वो कहता है मैं कपड़े बेच के रोटी पी, तेरे कपड़े इतने महंगे हैं, इसके कपड़े इतने महंगे हैं कि ये नहीं ब्राइडन हो, ये जो बेटी के जहेज में जो उसने पहनी हुई थी वो क्या कहते हैं उसको, आप माशाल्लाह समझदार हैं, शेरवानी के क्या उसके पैसे हम लोगों के पास तो खाने के लिए रोटी निकलती, इनके लाखों रुपए के तो ये कपड़े हैं। वो कहता जी कपड़े बेच के रोटी पूरी करा, तूने क्या रोटी। जब ये गवर्नमेंट आई एक घंटे के साथ एक घंटा लाइट जा रही है, जो घोड़ा 12 घंटे भागेगा उसको 4 घंटे आराम करने के लिए भी चाहिए। तब लाइट नहीं है, पानी पीने का नहीं है, या हमारी तो किस्मत में ये लिखा है नीचे से भट्टी का सेक पड़े ऊपर से आसमान का सेक पड़े, कैसे जिंदगी गुजारे। मजा तो तब है ये हमारे साथ आ गए, हमारे घरों के जैसे घर हैं इनके घरों में रहे, फिर इन लोगों का पता चले कि ये क्या कर रहे हैं। लाइट भी देखे, पेट्रोल देखें, हम नहीं बढ़ाएंगे 60 रुपए पेट्रोल बढ़ा तो कौन से लोग अच्छे हो ना, तो खुदा की कसम गाड़ियां घड़ी कर दें। लेकिन गरीब आदमी भी कर देगा, लेकिन बड़े आदमियों को फर्क नहीं पड़ता। मैं ब्रेक लेनी है, अपर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अब प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं अभी एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूं, और यहां पर आने से पहले मैं अभी शहर लाहौर का दर्जा हरारत चेक कर रही थी, जो कि इस टाइम मेरे बात करने तक अभी यहां पर तकरीबन 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि जनाब क़यामत खेज़ गर्मी है। और इस क़यामत खेज़ गर्मी में मैं आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पर कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं जो कि यूटिलिटी स्टोर इस आस पर आई हैं कि यहाँ पर इनको कुछ चीज़ें जो है सस्ते दामों मिल जाएंगी। इन ख़वातीन के नज़दीक हुकूमत का मयार जाँचने का तरीका क्या है, आइए ज़रा यहाँ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। एक बात बताएं कि जब हुकूमत जब नहीं होती है, हम लोग हमेशा यही सोचते जनाब ये अच्छी हुकूमत या बुरी हुकूमत का जो कॉन्सेप्ट हमारे जहन में है वो यही होता जनाब, अच्छी हुकूमत वो है जो महंगाई कम करती है और बुरी हुकूमत वो है जो महंगाई बढ़ाती है। सही बात। आपको लगता है कि ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो नज़रिया है, ये सही है गलत है? देखो है तो सही था, ये आगे जब पहले इमरान खान ने इतनी जो की है ना महंगाई करने के बावजूद, जो हमें पिछले सालों की वजह से लॉकडाउनों की वजह से अब हमें भुगतने पड़ रही है। ठीक है, जो शहबाज शरीफ है वो महंगाई यही कोशिश कर रहा है कि मेरी आवाम सुकून के साथ रहे। ठीक है, हम सुबह 7 बजे के आए हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, घी की वजह से आए हुए हैं। हमारे जो मर्द है वो 500 रुपया कमाई करके लेके आ रहे हैं, हम 500 का घी लें के घर का खर्चा चलाएं। मुझे ये बताया, हम सुबह 5 बजे नाश्ते के बगैर ही दरान के बैठे हुए हैं, तो सारी धूम हमारे सर के ऊपर से गिर गई है। हमारी हालात देखो क्या होगी, हम इतने परेशान, कभी ऊपर कभी नीचे कभी किधर धूम में बैठे जा रहे हैं, परेशानी रोना आ रहा है इसी वजह से। तो मुझे ये बताएं कि ये महंगाई की वजह से हम गरीब आदमी क्या करें, मुश्किल हालात है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात है। एक पेट्रोल ने एक घी ने भरा तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये बताएं हम क्या करें, ये महंगाई कैसे कम होगी? देखिए अब पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हुआ, सब्जियाँ महंगी हो गई। अभी मैं पता कर रही थी आंटी, पिछले साल इन्हीं दिनों में 20-20 रुपए किलो टमाटर मिल रहा था। आज 100 रुपए किलो प्याज है, 70-80 रुपए किलो टमाटर है। आप बताएं ना गुजारा कैसे हो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे आए हुए, देखे जरा गुजारा होता, हम क्या करें। इधर आते हैं सौदा लेने के लिए, इधर कभी महंगाई हो जाती है, कभी कम करते हैं, सुबह को जलील करते हैं, कभी कहते इधर नहीं है सौदा नहीं है, इधर
सुबह क्या 12 बजे के आके इधर बैठे हुए। आपके नजदीक अच्छी हुकूमत क्या है? हम तो पहले तो नवाज शरीफ से अच्छा था, महंगाई नहीं इतनी की थी। आप दोबारा आए हैं तो इतनी महंगाई कर दी है उन्होंने, तो हम क्या करें, गरीब लोग कहाँ। आपको लगता है अच्छी हुकूमत वो होती है जो महंगाई कंट्रोल करती है? महंगाई तो इतनी कर दी तो हम क्या करें, गरीब कहाँ से खाए, क्या करते हैं? कारोबार भी नहीं है इतने भाई, जो शटरिंग का काम करते हैं, शटरिंग का तो वो भी नहीं चल रहा इतना, तो सरिया महंगा, कभी सीमेंट महंगा कर देते हैं, कारोबार तो खत्म किए हुए हैं, तो खाएं हम कहाँ से। आप अस्सलाम वालेकुम, आप कितने बजे की आई हुई यहाँ पर? मैं ना 1:30 बजे की आई हुई हूँ, मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। हाँ जी, छोटे छोटे हैं, तो मैं आप ही इसलिए इधर आई हूँ क्योंकि मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया, वो टांग से मजदूर है, तो मैं घी की वजह से आई हूँ। तो आप इधर जब आओ तो कभी कहते हैं कभी नहीं है, तो ऐसे तो आप ही नहीं ना करना चाहिए। जब आपने जब आप सारी सहूलतें दे रही हैं, रात आप देखें 199 से अब 200 रुपये डॉलर हो गए, जब डॉलर महंगा होगा तो पेट्रोल भी महंगा होगा, तो ये जो गरीब के लिए सौदा तो सस्ता होना चाहिए। जिनके 6 बच्चे वो कहाँ जाएँ, और ये मेरे छोटा बच्चा है, फिर जाहिर मुझे हर चीज़ की आपकी ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे तो शौहर के खुद वापस 14,000 रुपये की मेडिसन है। अच्छा, उनको क्या हुआ? उनकी टांग टूट गई, मसनू घुटना डला हुआ है। अच्छा। चुकने पे भी राड है। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे, इतनी इनकम भी नहीं है कि आप तो ये बताएं कि आपको चले चीज़ों का पता है। आपके नज़दीक अच्छी हुकूमत क्या होती है? आप ही अच्छा वो है जिसके अंदर इंसानियत है, अगर इंसानियत नहीं है तो फिर सभी बेकार हो। अब आप बताइए ना, ये आपका बच्चा कितने साल का है? 2 साल का। 2 साल का, इतना प्यारा, ये इतना प्यारा बच्चा आप इतनी गर्मी में लेके बैठी हैं, और अभी भी कहते हैं घी नहीं है। अच्छा, घी नहीं है। हाँ जी, वेट करें। और ये लोग मुझसे 12 बजे की आके बैठे, तो इनका भी कोई कसूर है? आप ही इन्होंने रखा है तो आप दे दो। देने के लिए भी बहुत ज्यादा जलील करते हैं आप ही। हाँ जी, और बस और कोई रिक्वेस्ट नहीं, यही रिक्वेस्ट है की जो गरीब है उनका साथ दिया जाए, जो उनकी सहूलतें उनको पूरी की दी जाए। रोटी तो चाहिए ना, 2 वक्त की आपकी रोटी महंगी है ना, आपकी रोटी कौन सी सस्ती है? आटा आप लेके, हाँ नहीं, आप ही 12 रुपए की क्यों, 18 रुपए का नान है, 13-12.5 रुपए का कोई दे रहा है, कोई 12 रुपए का, आप ही जहाँ 6 बच्चे हों, दवाइयाँ हों, कहाँ से अफोर्ड करें? साहिबा हम भी बच्चों वाले हैं, साहिबा हम तो ये कहेंगे अच्छी सहूलत मिलनी चाहिए, थोड़ी मिले मगर अच्छी मिले, इज्जत की रोटी मिले बस। इतनी गर्मी में आप बैठी हैं, आप ही 43 चल रहा है, 45 अभी आज अच्छा देगा। अब आप बताओ इतनी गर्मी में आप ही क्या करें? सही बात है, बच्चे भी अलग परेशान हैं, अलग परेशान, बच्चे छोड़ के भी नहीं आ सकती। चलिए ठीक है जनाब, ये क्या सूरत हाल है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वे आज हम बात ये कर रहे हैं कि अच्छी हुकूमत क्या होती है आपके नज़दीक? अच्छी हुकूमत वो होती है जो अपनी आवाम को सहूलत देती है, लोगों को अच्छा चीजें देती है, सस्ती चीजें देती है। आपको लगता है हम अच्छी, ये हुकूमत अच्छी है कि नहीं है? हमारे लिए तो वही अच्छे जो महंगाई का तोड़ तोड़े। क्या है महंगाई का तोड़? महंगाई का तोड़ ये देखे, हम किराए पे रहे, 13,000 रुपए हमारा किराया है, और 12-13 हज़ार रुपये कभी बेला आ रहा, कभी 8,000 रहा, हम खर्चा पूरा करेंगे क्या करें? इतनी महंगाई करने को चाहिए कि महंगाई कम करें, ये हमारे तो वही अच्छा जो महंगाई कम करेगा। हाँ तो क्या करें, अब सुबह 6 बजे के हम इधर आके बैठे हुए हैं, और देखो ना घी है ना कुछ भी नहीं। आपको लेना क्या है यहाँ से? घी, घी के लिए हम आए हैं, घी इतना महंगा उधर हम नहीं ले सकते, इतना महंगा घी, घी बहुत महंगा दे रहे हैं। तो अगर इधर लेने आए तो ये कभी कहते हैं आज है कल नहीं है, ऐसे हफ्ते में हमें 3-4 हज़ार चक्कर लगाए हैं। अच्छा। बस यही अभी तक हम बैठे हैं, अभी नहीं मिल रहा, पूरा हफ्ता हो गया मैं घी नहीं मिल रहा, तो हम किराया 100 रुपया लगा के आ रहे हैं, लगा के जा रहे हैं, 200 रुपया हमारा किराया लग रहा है, तो घी हमें मिल नहीं रहा, तो हम मुझे ये बताओ, अभी भी कह रहे नहीं मिल रहा, पूरा हफ्ता एक घी नहीं मिलेगा। हाँ तो ये बताएं हम गरीब आदमी क्या करें? मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, आंटी वहाँ हमारे साथ मौजूद है। आंटी क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से? ये बताएगा क्या हालात चल रहे हैं आपकी जिंदगी के, महंगाई का क्या हाल है? हो जाएगा कोई हाल नहीं जिंदगी दे, हो जाएगा कोई हाल। क्या सामान लिया अभी? आटे के थोड़ा लिया, तो चीनी लिया, तो 1/2 किलो का सरफ का पैकेट लिया, 1/2 किलो सरफ का पैकेट। घी नहीं मिला? नहीं, घी क्यों नहीं मिला? घी भी नहीं आया, दालें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ कहाँ से आप आई हैं? करोल घाटी की तरफ से। करोल उतनी आगे से आई हैं? हाँ। अच्छा, उधर से आई हूँ, परेड नंबर 8 है ना, उधर से आई हूँ। आंटी अच्छी हुकूमत क्या आपके नज़दीक? अच्छी हुकूमत क्या होती है आपके नज़दीक? अच्छी हुकूमत क्या करती है आपके लिए? हुकूमत ने जो कर दे बेहतरी कर दी है, वो अपना आप ही मामदा कुछ नहीं। अच्छी हुकूमत, आपको लगता है कि अच्छी हुकूमत महंगाई कम करती है? महंगाई कम कर दिया है कि बढ़ाते हैं? आपको क्या लगता है? यही लगता आपको है, महंगाई बढ़ गई है? हाँ, तो और क्या हुआ? घी का कितने का तो जो कितने का हो गया ये पता है? एक पाव की जो कीमत थी ना, 1 किलो की कीमत वो 1 पाव की है। अच्छा,
पहले तो एक पाव घी मेरे ख्याल से 100 रुपए का मिल रहा था, एक किलो 30 रुपए 40 रुपए का पाव मिलता। अच्छा, तो वो पहले किलो का मिलता था। हाँ। तो बस ऐसे ही हालात है, ऐसे ही मतलब किलो की कीमत में अब पाव पाव चीजें आ रही हैं। हाँ, ऐसे ही है बेटा, ऐसे ही ठीक है। आगे बढ़ते चाचा। अंकल क्या हाल है चाचा? ठीक है बेटा। चाचा महंगाई का सुनाए। महंगाई तो बेटा हद तक हो गई चाचा। ये अच्छी हुकूमत को क्या होती है आपके नजदीक? जो आवाम का फायदा सोचते हैं। आपका फायदा क्या हो रहा है? कोई फायदा नहीं हमें, ना इमरान की हुकूमत में फायदा, ना इस हुकूमत में। मेहनत करनी है, कोई हालात अच्छे हैं। मैं कह यार थुमरे धक्के खाने, मेहनत करनी है तो कोई फिर हुकूमत का की करिए। वो ही कह हुकूमत लोगों को इन्ने पैसे मिलते, ये वो सारा तो कुछ नहीं। असं हूँ बुढ़े बारे उठ के मेहनत करता, मजदूरिया करता, तो की करे मिस्त्रियों के साथ मिस्त्री मजदूरों के साथ मिस्त्रियों के साथ हैं। हाँ। तो कभी मिल गया कभी ना मिला। कितनी दिहाड़ी मिल जाती चाचा? मिले तो फिर 1000-1200 मिल जाती है, कभी मिलती है। लेकिन गुजारा तो नहीं होता ना। नहीं। उम्र कितनी है आपकी? 65 साल है। महंगाई चाचा जी, हम लोग ना बड़े सोचते हैं हम लोग कि अच्छी हुकूमत वो होती है, जो अच्छी हुकूमत वो होती है जो महंगाई कम करती है। हम लोग हमेशा से अपना ना एक फौरन राय बना लेते हैं, जनाब अच्छा फलानी हुकूमत बड़ी गंदी है, उससे बड़ी महंगाई करती है। आपको लगता है सही है? महंगाई का ताल्लुक होता है हुकूमतों से? हुकूमत जो करती है करती है। किन्ने सुननी है, बस सारी आवाम के नाल ही है। कोई देखा कोई नहीं सुनता गरीबां दी, कोई देखा गरीबां दी कोई नहीं सुनता। हाँ, कोई देखा कोई नहीं सुनता। सारा धक्के है बस इस उम्र खाने। सूरत हाल है, और मैं आपको दिखा भी देख भी रहा हम यहाँ पर कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए अपनी माओ के साथ। गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि अभी गाड़ी के अंदर हालांकि एसी लगा हुआ है, उसमें भी हम लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत बेहतर से बहुत सोच से बहुत बेहतर हमें रखा हुआ है। लेकिन जनाब यकीन करें इतनी कयामत खेज गर्मी है लाहौर में कि गाड़ी के एसी के अंदर भी पसीना खुश्क नहीं होता। तो आप जरा यहाँ सोचें, ये जो औरतें यहाँ खड़ी हैं छोटे छोटे बच्चों को लेके 45 डिग्री की इस गर्मी में, जिनका मकसद यहाँ पर ये है कि जनाब कहीं से 100-200 की बचत हो जाए तो शायद घर का खर्चा, घर का निज़ाम कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पर चल सके। तो ज़रा आप ज़रा सोचें इन लोगों के बारे में जिनके लिए 100, 200, 250 रुपये, 300 रुपये, बल्कि इनके लिए इन लोगों के जनाब 10-10 रुपये बड़े मानी रखते हैं। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल्लाह हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।